नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक फ्रेंड्स में। फ्रेंड्स, आज जो नई रिक्वायरमेंट आई हुई है वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आई हुई है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिक्वायरमेंट 2017, जिसमें टोटल पोस्ट है वो 470 पोस्ट है टोटल। जो पोस्ट डिटेल है वो इस प्रकार है, यहाँ पर ट्रेड अप्लाइंटिस 376 है और यहाँ पर टेक्निकल अप्लाइंटिस की 94/94 है। जो ये शुरू स्टार्ट हो रहा है फॉर्म अप्लाई होना, तो 17 नवंबर से शुरू हो चुका है, 17 नवंबर 2017, और जो लास्ट डेट सबमिट करनी है वो 26 नवंबर 2017 रहेगी। जिससे क्वालिफिकेशन है, जिसमें योग्यता मांगी गई है, वो फॉर ट्रेड अप्लाइंटिस के लिए ITI होनी आवश्यक है 50% मार्क के साथ, और जो टेक्निकल अप्लाइंटिस है उनके लिए फुल टाइम रेगुलर यहाँ पर इस प्रकार से कुछ इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन्होंने मांगा है, इसमें 50% उसमें भी होने चाहिए। जो एज लिमिट है वो 18 से 24 ईयर होनी चाहिए, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 24 ईयर होनी चाहिए। एज की गणना होगी 30/10/2017 को तक की जाएगी। जो 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 प्रोफाइल है वो टेक्निकल अप्लाइंटिस और ट्रेड अप्लाइंटिस की है। फ्रेंड्स, जो ये जॉब है ये आपको एक सीमित अवधि के लिए मिलती है, और उसमें आपको जो इस कंपनी का वर्क है वो आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद आपको यानी कि ये अपना एक सर्टिफिकेट दे देंगे आपको कि आपने हमारे संस्था में प्रैक्टिस की हुई है, उसको ये अप्लाइंटिस बोलते हैं। यानी कि उसमें आपको ये वर्क सिखाएंगे, उसके बाद आपको जॉब कहीं और भी करनी पड़ सकती है और आप वहाँ पर भी जॉब कर सकते हैं। जॉब लोकेशन जो रहेगी आपके यहाँ पर, इसमें आपको देख सकते हैं दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में आपकी जॉब लोकेशन रहे, कहीं भी रह सकती है। जिसमें एप्लीकेशन फ़ीस है कुछ नहीं है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या होता है आगे। जिसमें सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो रिटन एग्जाम प्लस पर्सनल इंटरव्यू रहेगा, और जो हाउ टू अप्लाई आप इसको किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स आपको 26/11/2017 से पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना होगा। उसके बाद आपको एडमिट का एग्जाम एडमिट कार्ड भेजेंगे, इस प्रकार से आप इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। जो इसके डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर जो लिखा हुआ है क्लिक हियर टू डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स, इस वेब पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इस पर आ सकते हैं। आने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आप इस वेब पेज पर नहीं आना चाहते तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको तीनों लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी इसको आ सकते हैं। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने PDF फाइल डाउनलोड की, तो ये डाउनलोड हो चुकी है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको इसको डीपली थोड़ा पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद आपको इसमें आपको सभी जानकारी मिल जाएगी, क्या वर्क कैसे में कैसे है, जैसे भी होगा आप पढ़ सकते हैं। अप्लाई करने के लिए क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, इसमें थोड़ा नीचे डाउन आने के बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन नोटिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्दर्न रीजन में वैकेंसी आई हुई है। अब आपको इस पर क्लिक करने के लिए, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। आने के बाद आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है नॉर्दर्न रीजन पर, आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप नए पेज पर आ जाएंगे। फिर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कन्फर्म डिटेल करनी है, कन्फर्म डिटेल के बाद आपको अपना ई मेल एड्रेस देना है और मोबाइल नंबर देना है, इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। इस प्रकार से आप अपनी IDs पर बनाने के बाद आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो तनिक भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स हम पर डे इस चैनल पर 2 या 3 वीडियो अपलोड करते हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, इसलिए फ्रेंड्स सब्सक्राइब तो जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।